हाँ जी, चारा वगैरह काश्त कर लिया। अभी मैं आया हूँ जी घर, काम जो है चल रहा है। आपको भी आज दिखाता हूँ कि घर में क्या काम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूँ आपका दोस्त असद बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असद बलोच जी। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सुबह का टाइम है जी, काम से होके मैं आ गया हूँ और अभी दिखाता हूँ जी घर का जो काम वाम चल रहा है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और मेरा जो इससे पहले व्लॉग आया है, वीडियो आई है, वो भी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें डेजर्ट जो है थल का मैंने पूरा व्यू कराया। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनी है। और जिन्होंने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं आप तक बरवक्त पहुँचती रहें और आप बरवक्त देखते रहें। चले जी, आज का वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जी ये वाला, क्योंकि ये है जी टेरेस, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है हम लोग यहाँ पे कलीन भी और साथ में जो है वो सोफा सेट भी, वो भी रखेंगे इंशाल्लाह। ये आप ज़रा चेक करें, ये ज़रा चेक करें, ये जो है रोटेटिंग डोर यहाँ पे लग गई। इसके ऊपर अभी लगाएंगे जी एलसीडी। अगर तो बाहर यहाँ पे आदमी बैठा हो तो एलसीडी वगैरह यूज़ करनी हो तो यहाँ से चला सकते हैं, और अगर आदमी बैठा हो अंदर तो ये ज़रा चेक कर लें। अभी मैं अंदर इंटर हो गया हूँ, तो इसको कर लेंगे जी ऐसे रोटेट, और अंदर जो बैठे होंगे वो लोग इसको एंजॉय करेंगे। और आप सबने प्लीज़ लाजिम कमेंट करके बताना है कि ये सिस्टम जो है आपको कैसे लगा है। मैं अभी भाई को बोला, भाई अभी रोटेट करते हैं, ये ज़रा चेक करें, आउट क्लास चीज़ है। ये आइडिया था, ये अबू का आइडिया था, और साथ में जो मिस्त्री साहब हैं अली भाई, उन्होंने भी बोला है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़बरदस्त लगेगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अभी जो है जस्ट दरवाज़ा जो है वो लगाया, अभी इसको पॉलिश वगैरह करके जब फ्रेश हो जाएगा इसके ऊपर लेके आएंगे नई एलईडी, वो लगाएंगे और वो भी आपको चला के दिखाएंगे कि कैसी लगेगी। है काम अंदर का, वो अभी तकरीबन फिनिशिंग साइड पे जा रहा है। ये जो वाशरूम था उसका भी दरवाज़ा लगा दिया, तो अभी इसको बॉर्डर बोलते हैं। ये जो है ये ज़रा चेक करें, ये बॉर्डर जो है ये अभी लगा रहे हैं बॉर्डर। उसके बाद जो है पेंट वगैरह का काम इनका होगा, और बाकी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। पेंट वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, पेंट वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी, अपर पोर्शन का, इनसाइड का। आउटसाइड जो है वो अभी बाकी है, इनसाइड का पेंट पूरा कंप्लीट हो गया। आपको किचन का जो है वो भी व्यू दिखाते हैं। किचन कुछ साफ़ वगैरह कर दी थी, और ये ज़रा चेक कर लें, अभी कुछ सफाई कर दिया, लेकिन फाइनलाइजेशन जो है वो अभी नहीं हुई। अभी इसके ऊपर पोछा वगैरह वो काफ़ी लगाने वाला बाकी है, और लाजिम कमेंट करके आपने बताना कि ये व्यू आपको कैसा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये बॉल आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो सिंक के लिए जो है सेट वो लगाएंगे टूटी वगैरह, और ये ओपन कर दिए। ये जो है चूल्हा फुली ऑटोमेटिक है, ये लगाएंगे यहाँ पे जी, और इसका कनेक्शन जो है गैस का कनेक्शन यहाँ से कहीं से जो है वो निकाल दिया, ओपन कर दिया। ये वॉल है, ये यहाँ पे लगाएंगे। बाकी काम माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। और एक चीज़ आपको और दिखा, अच्छा तो व्यूअर गाय का दूध जो है वो निकाल रहे हैं हम लोग, आपको भी दिखाते हैं जी, सही देसी माहौल। ये चेक करें जी, मामू जी अगर दोनों हाथों से निकालें तो गाय जो है वो लाते मारना स्टार्ट कर देती है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मामू जी ने बताया कि गाय को जो है जब भी इसका दूध निकालते हैं तो इसको जो है दो टाइम गंदम का जो डाला बना के वो डालते हैं, या खल वगैरह डालते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली, इसलिए जो है गाय वो लाते मारी जा रही है जी। तो भी बस ये जो बाहर का काम है ये इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह कल जो है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था 9 इंच की जो है वो पर्दी बनने वाली है यहाँ पे पूरी, ऐसे सही है, वहाँ पे क्रॉस लगेगी ऐसे सीधी जाएगी, सही है, और इस तरफ भी क्रॉस लग जाएगी, और तकरीबन 4-5 फुट जो है वो इसकी हाइट होगी, इतनी जो है इसकी हाइट होगी। तो ये इंशाल्लाह काम जो है ये कल स्टार्ट होगा। बाकी ईंटों की तराई वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी है, नो डाउट किसने की है, लेकिन तराई वगैरह जो है स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कल जो है काम शुरू होना है। बाकी मैं अभी अंदर जाने लगा हूँ, मोहम्मद जो है वो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, मोहम्मद से भी आपकी बात बात करवाते हैं कि क्या कहते हैं मोहम्मद। अच्छा तो ये बार मामू रहमत साहब इसको लेके जा रहे हैं पिजारों को, इसके ना एक पीछे वाली जो सीट है बैठने वाली
वो थोड़ी सी ना टूट गई है, तो अभी इसको करवाने जा रहे हैं वेल्ड, क्योंकि थल में इसी को लेके जाते हैं, दूसरी गाड़ी अभी नहीं लेके जाते, तो इस वजह से जंप वगैरह भी होती हैं, तो पीछे जो सीट थी वो एक साइड से थोड़ी ना टूट गई है, ये नट बोल्ट्स जो है वो अंदर से निकल गए, तो अभी इसको लेके जा रहे हैं जी, वो वेल्ड करवा के तो फिर आते हैं, फिर इंशाल्लाह थल थल निकलते हैं। ये सामान वगैरह सारा जो घर का निकाल के बाहर रखा हुआ है जी, और दूसरी जो गाड़ी है वो सामने उधर पार्क कर दिया, क्योंकि पूरा पेंट वगैरह जो था वो उड़ उड़ के सारा जो है, क्योंकि रेग मार ऊपर लगा रहे हैं तो सारा उड़ के कचरा जो है ऊपर आ रहा था। अभी जो है अंदर सेन जो है हाल उसका काम जो है वो चल रहा है। हाँ जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, फार्म पे जो है अभी ट्रैक्टर का थोड़ा काम चल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो थी गोबर वगैरह, मुझे नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया था कि नीचे जो है इनके ब्लेड वगैरह लगाया गया, करा वगैरह जो लगा। ये ज़रा आप चेक करें, ये जो जगह सारी है ना, ये वो गोबरें असल थे, असल में पड़ी 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 फिर वो मट्टी की शेप बन गई है। सही है ना, ऊपर से क्या क्या करते हैं, जैसे ताज़ी गोबरें जो होते हैं ये उठा लेते हैं और बाकी पड़ी रहती है, तो आज इसकी जो है कंप्लीट सफाई करने लगे, क्योंकि इससे जो है काफ़ी जो है कीड़े मकोड़े टाइप जो है वो चीज़ें जो है नीचे पैदा हो जाती हैं, इस वजह से आज इसकी जो है कंप्लीट सफाई हम लोग करने लगे। इस पोर्शन की करेंगे, उसके बाद इस पोर्शन की, उसके बाद वो जो थर्ड वाला पोर्शन है उसकी भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये जब बोरवेल हम लोगों ने करवाई थी ना, तो इसके पूरी जो रेत वगैरह निकली थी, जो कुछ मिट्टी वगैरह थी, ये इधर पूरी जमा हो गई थी, तो उस टाइम से ना ही टाइम मिला और ना ही इसको लेवल फिर किया था, क्योंकि इधर मिट्टी वगैरह सारी इकट्ठी की थी, पानी इधर जमा किया था, तो अभी जो है उसको सबको जो है लेवल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो काम ख़राब हुआ होगा, जब चेक करें वहाँ से निकाल के तभी उस साइड में जो है वो डालेंगे। ठीक, वो साइड आप चेक करें कैसी क्लीन ज़बरदस्त, जितना भाई था मिट्टी वगैरह वो सारा वहाँ पे इकट्ठा कर दिए, वो ट्रॉली में डाल के तो थल लेके जाएंगे। वो अभी माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त जो है ग्राउंड टाइप नज़र आ रहा है वो, और इसको जो है अभी क्लीन कर रहे हैं, इसको अभी लेवलिंग दे रहे हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स हाल जो है वो चला दिए, नीचे वाला जो एकड़ है हाफ एकड़, इसमें अभी ये जो है जौदर डाल रहा है और दूसरा आदमी जो है वो डाल रहा है जी गंदम, ये डाल के तो उसके बाद जो है तोरिया राया जिसको बोलते हैं, जिसका साग भी बनता है, उसके बाद जी वो डालेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद इसको दोबारा हाल चला देंगे, और ऊपर से जो है सुहागा उसको बोलते हैं, मेड़ा भी बोलते हैं, वेट वो ऊपर चला देंगे ताकि ये प्रेस हो जाए अच्छे से, और फिर इसमें जो है इसकी इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तीन चार पार्ट्स में। ईशान डर रहा है, आज ये तो भी बस जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग जो आए हैं गढ़मोड़ बच्चों को चूल्हे दिलवाने, ईशान जो है वो तो डर के मारे इधर ही, मोहम्मद सही तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद आप इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है? अच्छा ये